हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी पटवारी की परीक्षाओं में जी जान से लगे होंगे। प्रयास करते रहिए, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दीजिए, सफलता निश्चित आपको मिलेगी। हमारे कुछ पिछले वीडियो थे जिनमें हमने एक्सेप्टेड क्वेश्चन बताए थे कि इन क्वेश्चंस के आने की संभावना है, वो आने वाली परीक्षाओं में आ रहे हैं, जो भी पेपर हो रहे हैं सेप्टों के उनमें वो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आप जाके उन वीडियोज़ को देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब बात आते हैं आज के मेन टॉपिक पर, जहाँ मैं बात करने वाला हूँ फर्जीवाड़े की। जी हाँ, थंब क्लोनिंग टेक्निक के जरिए फर्जीवाड़े के कुछ केसेस सामने आए हैं। जैसे ग्वालियर मुरैना में, ग्वालियर में पटवारी भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े करने वाले गैंग का पता पड़ा है। ये क्या करते हैं, ये जिस भी परीक्षार्थी से इन्होंने पैसे लिए होते हैं, 8 से 15 लाख रुपए तक ये किसी एक परीक्षार्थी से पैसे ले रहे हैं। और परीक्षार्थी भी कैसे होते हैं, जो मेहनत की बजाय ऐसे तकनीकों को, ऐसे टेक्निक्स को चुनते हैं परीक्षा में सफल होने के लिए। पटवारी परीक्षा भर्ती में फर्जीवाड़े करने वाले गैंग का सामने आया है। ये क्या करते हैं, थंब क्लोन टेक्निक के जरिए असली की जगह नकली परीक्षार्थी को परीक्षा देने के लिए पहुंचा देते हैं। पुलिस ने गिरोह में 4 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ से बताया कि किस तरीके से ये लोग थंब इंप्रेशन लेते थे। थंब इंप्रेशन में क्या होता है बेटा, थंब इंप्रेशन में ये जिस भी परीक्षार्थी का पेपर है उसका थंब ले लेंगे, उससे क्लोन बना लेंगे, उसके नकली फिंगर प्रिंट बना लेंगे, और जिस परीक्षार्थी को इनको लगता है कि इसको भेजना चाहिए उसको भेजकर उस परीक्षा में उस परीक्षार्थी से परीक्षा दिलवाएंगे, जिससे वो पास हो जाए, उसकी गारंटी हो जाए। ठीक है, तो कुछ गिरोह जो सामने आए हैं, थंब इंप्रेशन का क्लोन बनाकर बनाने वाली गैंग का ठेकेदार है, जो इन सब चीज़ों को करते हैं। परीक्षा केंद्र पर जाकर सोल थंब इंप्रेशन से जो होता है उसको लगाकर परीक्षा में बैठ जाते हैं। इस तरीके के गिरोह जो हैं पिछले कुछ साल भी परीक्षाओं में देखने को मिले थे। मुरैना में एक थंब इंप्रेशन क्लोन बनाकर भर्ती परीक्षाओं में असली की जगह नकली परीक्षार्थी को देने के लिए भेज दिया था। ऐसी ही कुछ घटनाएँ जो हम देखेंगे, परीक्षार्थी पटवारी परीक्षा में फर्जीवाड़े का शक के संदेह में पुलिस ने हिरासत में लिया कुछ लोगों को, महज 8 से 10 लाख 12 लाख रुपए का झांसा देकर। कई जगह पर तो ऐसा होता है, चलो ठीक है, कई जगह पर तो ऐसा पैसा ले लिया और उसका थंब इंप्रेशन बनाया नहीं, ऐसे ऐसे जाल बिछाकर जो परीक्षार्थी मेहनत नहीं करते ऐसे लोगों से पैसे लूट लिए जाते हैं। और ये सारी चीज़ें गलत हैं, ये बिल्कुल उन बच्चों के साथ जो दिन रात मेहनत करके हजारों घंटे पढ़ते हैं, अपनी आंखें फोड़ते हैं, उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। इन चीज़ों को रुकना चाहिए, और कम से कम हम एजुकेशन को इन सब चीज़ों से दूर रख सकते हैं। एजुकेशन में ऐसी चीज़ें ना लाएँ। इस तरीके की जो खबरें हमें स्वास्थ्य मिशन के जो संविदा स्टाफ नर्स का परीक्षा हुई थी उसमें भी ऐसा देखने को मिला था। और इन सब चीज़ों को रोकने के लिए सरकार को कुछ निश्चित कदम उठाने चाहिए, जिससे इन सब परीक्षाओं में उन सारे विद्यार्थियों को नुकसान ना हो जो रात दिन मेहनत करते हैं और पढ़ते हैं। खैर, ये थी खबर जो हमें पत्रिका आती है उससे, और नई दुनिया एक ऑनलाइन पोर्टल पे आप जाकर इस खबर को पढ़ सकते हैं। मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको, कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगा। बाकी मैं जो विद्यार्थी दिन रात पढ़ रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, सफलता एक एक कदम चढ़कर मिलती है, ना कि एकदम से मिलती है। जो एकदम से सफलता मिल रही है तो वो एकदम से धड़ाम से गिर भी जाते हैं। आप अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सफलता आपको रस देगी, आपको नींद आएगी, सुकून की नींद आएगी। खैर, आगे की परीक्षाओं के लिए आपको ऑल द बेस्ट। इसी तरीके की खबरों को जानने के लिए, न्यूज़ को, करंट अफेयर को जानने के लिए, शॉर्ट्स करंट अफेयर को जानने के लिए हमारे चैनल प्रारब्ध शिक्षा को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ बांटें। थैंक यू, मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।